दोस्तों, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपके दिमाग में पहले बहुत सारे आइडियाज होते थे लेकिन अब वो अचानक से गायब हो गए हैं। आपके पास कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन थी जो आपने कहीं पे पढ़ी थी लेकिन जब इस्तेमाल करने का टाइम आया तो वो आपके सामने आ ही नहीं रही है। या फिर कितनी बार आपने अपने दोस्तों से या फिर कलीग से कितनी सारी यूजफुल इंपॉर्टेंट बातें की होगी जो शायद आपको अगले दिन भी याद ना रहे। दोस्तों, हम लोग ना डेली न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, पॉडकास्ट, यूट्यूब और इंटरनेट पर ऐसी ढेर सारी वेबसाइट से ना कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हम लोग डेली इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं लेकिन जब उस इन्फॉर्मेशन को यूज करने का समय आता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे दिमाग से स्किप हो जाती है। कैसा होगा कि अगर आपके पास में एक दूसरा दिमाग हो जो आपके लिए ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन याद रखे और जब भी आपको जरूरत हो आप उस दूसरे दिमाग से ये इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सके। पर यूं तो हमारे पास में फिजिकल दिमाग एक ही है जो हमें भगवान ने पहले से दिया है, लेकिन आज के इस टेक्नोलॉजी के टाइम के अंदर हम लोग बना सकते हैं एक डिजिटल माइंड, डिजिटल ब्रेन, जो कि जितनी भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है वो आपकी सारी की सारी स्टोर करके रखेगा टाइम टू टाइम, और जब आपको चाहिए हो इन फ्यूचर आप कभी भी उस इंफॉर्मेशन के डेटाबेस को एक्सेस कर पाएंगे। डेविड एलन, जो कि अमेरिका के एक प्रोडक्टिविटी रिसर्चर हैं, उन्होंने कहा था कि जो आपका दिमाग है ना वो सिर्फ आइडियाज बनाने के लिए बना है, ना कि उन आइडियाज को होल्ड करने के लिए। देखो, जब तक आप यूपीएससी, एसएससी या फिर ऐसे किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी ना कर रहे हो आपको बहुत सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक सिस्टम चाहिए जो कि आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखे और जब भी आपको जरूरत हो आपको तुरंत प्रोवाइड कर दे। और ऐसे ही सिस्टम की बात हम करने वाले हैं जिसको बोलते हैं बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन। टियागो फोर्टे की एक किताब है, उनका ऑनलाइन कोर्स भी है और वेबसाइट पे भी उनकी काफी कुछ इसके बारे में ज्ञान आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एकदम आसान भाषा में बताने वाला हूं कि किस तरह से आप, मैं या दुनिया में कोई भी इंसान अपना एक दूसरा ब्रेन बना सकता है ताकि वो यूजफुल इंफॉर्मेशन को बार बार यूज कर सके। क्योंकि देखो, आपका प्रोफेशनल सक्सेस डिपेंड करता है कि आज के टाइम पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो आ रही है उसको आप किस तरह से इस्तेमाल करते हो, मैनेज करते हो। अपना डिजिटल सेकंड ब्रेन बनाना बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ एक ऑनलाइन नोट मेकिंग ऐप चाहिए। अब ये काम आप ऑफलाइन नोटबुक के ऊपर भी कर सकते थे बड़ी आसानी से, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ये आपको फायदा नहीं देगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सर्च करनी पड़ेगी तो आपको नोटबुक के बार बार पन्ने पलटने पड़ेंगे और उस केस में मेरे ख्याल से यूजफुल नहीं रहने वाला है। और जब हमारे पास में इतने सारे फ्री टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं एट द टिप ऑफ आवर फिंगर, तो क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए। तो बहुत सारी नोट मेकिंग एप्लीकेशंस होती हैं जैसे कि गूगल की हो सकती है, आपके फ़ोन की हो सकती है। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वन नोट का, एवरनोट भी एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब के लिंक्स जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहाँ से चेकआउट कर लेना जो आपको सही बैठे। फिलहाल हम लोग वन नोट का इस्तेमाल करने वाले हैं और मैं आपको सीधा अपने सिस्टम में लेकर चलता हूँ और आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से आप भी अपना सेकंड ब्रेन बना सकते हैं। तो इस समय पर आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है मेरी वन नोट की एप्लीकेशन, विंडोज 10 के लिए मैंने डाल रखी है ये। इसमें मेरा ऑलरेडी एक सेकंड ब्रेन यहाँ पर बना हुआ है जहाँ पर मैंने आज के वीडियो के लिए नोट्स लिखे हुए हैं और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग इसको शुरुआत से शुरू करेंगे। यहाँ पर मेरी बाकी सारी चीजें हैं। मैं वन नोट का इस्तेमाल करता हूँ अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करने के लिए। यहाँ पर नीचे ऐड नोटबुक के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पर लिखना है सेकंड ब्रेन। अब क्योंकि मेरा सेकंड ब्रेन ऑलरेडी बना हुआ है तो नाम जो है मैं इसको 2 लिख दूंगा, सेकंड ब्रेन 2 क्रिएट नोटबुक। ये थोड़ा सा समय लेगा नोटबुक को क्रिएट करने में और उसके बाद में नोटबुक आपके सामने कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगी। सेकंड ब्रेन ऊपर है और ये नीचे सेकंड ब्रेन 2 है, इस पर डबल क्लिक करूंगा। आपको सबसे पहले सेक्शंस बनाने हैं 4, उसके बाद में उस सेक्शन में क्या क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले सेक्शन को राइट क्लिक करके हम लोग रीनेम करेंगे और इसको नाम देंगे इनबॉक्स। ऑलराइट, उसके बाद यहां से न्यू सेक्शन लेंगे, इसको हम नाम देंगे प्रोजेक्ट। फिर से एक और सेक्शन देंगे, इसको हम नाम देंगे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। और जो आखिरी सेक्शन होगा इसको हम नाम देंगे, नोट आखिरी सेकंड लास्ट, इसको हम नाम देंगे रिसोर्सेज। और फिर जो लास्ट होगा सेक्शन इसको हम नाम देंगे आर्काइव्स। ठीक है, तो ये 4 सेक्शन आपको बनाने हैं किसी भी नोट एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है आपको प्रोजेक्ट वाले पे, इनबॉक्स पे हम बाद में आएंगे, सबसे पहले प्रोजेक्ट देखते हैं। तो जो प्रोजेक्ट सेक्शन है ना उसके अंदर आप लिख सकते हो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स वाले प्रोजेक्ट। जैसे कि मान लो मुझे अभी कोई वीडियो बनानी है इस फ्राइडे को, तो उस फ्राइडे से रिलेटेड मैं यहाँ पे वीडियो लिख सकता हूँ। जैसे मुझे 5 कंपोजिशनल टेक्निक्स पर वीडियो बनानी है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद में इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास में है मैं वो सारी की सारी यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मैं किस तरह से थीम लिखने वाला हूँ यूट्यूब वीडियो की, मैं थंबनेल क्या डालने वाला हूँ, टाइटल क्या डालने वाला हूँ। तो मतलब उस प्रोजेक्ट के अंदर जो जो भी चीज़ें होने वाली है अब भी इस वक्त पे मेरे माइंड में जो जो है मैं वो लिखता रहूँगा। तो जो प्रोजेक्ट वाला सेक्शन है उसके अंदर आपकी सारी इस तरह की प्रोजेक्ट्स वाली चीज़ें आ जाएंगी। अगला जो हमारा सेक्शन है वो है एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट का।
एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट में आप लोग लॉन्ग टर्म वाले गोल्स डाल सकते हो। जैसे कि मान लो अभी मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ और मुझे साइकिलिंग में और अच्छा होना, मुझे मतलब अपनी फिटनेस के लिए साइकिलिंग को और इम्प्रूव करना है, तो मैं अभी जैसे 5-10 किलोमीटर जाता हूँ, तो मान लो मैं अपना यहाँ पे गोल लिख लेता हूँ, साइकिलिंग गोल 15 किलोमीटर्स, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इम्प्रूव कम्युनिकेशन, कि मुझे कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है अपनी, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से नॉलेज डिलीवर कर सकूं। तो इस तरह से मैं जितने भी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स है वो सारे के सारे लिख लूँगा। आपको अपने आप अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि आपको इस समय पर किस चीज़ की चीज़ों की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो सब की सब चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर। ये सब चीज़ें नोट डाउन करने से क्या होगा कि जब भी आप इसको रिविजिट करोगे तो आपको ध्यान रहेगा, अच्छा मुझे साइकिलिंग सीखनी थी, तो साइकिलिंग से रिलेटेड जब भी आपके पास में फ्री टाइम होगा उससे रिलेटेड आप वीडियोज़, आर्टिकल्स या कोई ऑनलाइन क्लासेस ले सकोगे, या फिर जैसे कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो वो मैं फ्री टाइम के अंदर ले सकूंगा, और उससे रिलेटेड जितनी भी नॉलेज होगी वो सारी सारी यहाँ पर मैं स्टोर कर सकूंगा। हमारा जो अगला टैब है वो है रिसोर्सेज का। अब रिसोर्सेज के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो इस समय पर 5 कंपोजिशनल टेक्निक्स यूट्यूब की। फॉर एग्जांपल आपने कोई मान लो एक पेंटिंग से रिलेटेड वीडियो देखी, ठीक है, कि पेंटिंग किस तरह से बनाते हैं और मतलब किस तरह से सब्जेक्ट की प्लेसमेंट होती है, जिसका थोड़ा बहुत लेना देना मेरी प्रोजेक्ट से भी है जो कि कंपोजिशन वाली वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो अब पेंटिंग को मैं क्या करूँगा यहाँ पर अपने रिसोर्सेज के अंदर लिख लूँगा और पेंटिंग से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी मेरी यहाँ पर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है कि जैसे रूल ऑफ थर्ड्स के अकॉर्डिंग मुझे पेंटिंग्स रखनी चाहिए, या फिर मुझे कोई ऐसी वीडियो दिखी जिसमें मतलब मुझे बार बार देखना पड़ेगा एक पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे जाकर जहाँ पर किसी ने कोई अच्छी बात कही है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डायरेक्टली उठाकर यहाँ पर रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जैसे जाता हूँ अभी यूट्यूब के ऊपर कुछ भी, मान लो मैं पेंटिंग से रिलेटेड सर्च करता हूँ पेंटिंग कंपोजिशन, ठीक है, तो मेरे सामने यहाँ पर आ जाएगी। अब ये मुझे जैसे वीडियो एक्सप्लेन कर रही है कि आपको कुछ इस तरह से रखना चाहिए। अब अगर मेरे पास वो सेकंड ब्रेन ना होता तो मैं ये वीडियो देख के ये समझ लेता कि यार मैं इसको याद रख लूँगा बाद में कभी काम आ जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। बाद में जब वो इन्फॉर्मेशन आप ढूंढने जाते हो आपको नहीं मिलती है, तो क्या करना है तुरंत इसको कॉपी वीडियो URL करना है और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देना है और ये वीडियो आपकी यहाँ पर प्लेस हो जाएगी। और इसमें आपको लिख देना है कंपोजिशन, जैसे मैं हिंदी में लिख लेता हूँ, मान लो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, वाले वीडियो में यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। तो मुझे अब मेरे रिसोर्सेज के अंदर ये आइडिया हो गया कि हाँ अगर मेरे को वीडियो बनानी है और थोड़ी सी इंस्पिरेशन चाहिए तो मैं यहाँ से कुछ सीख सकता हूँ और अपनी वीडियोस के अंदर इंक्लूड कर सकता हूँ अपनी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो रिसोर्सेज वाले टैब में आपकी सारी ये वाली चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ पर आता है आर्काइव्स वाला टैब। आर्काइव्स वाले टैब में क्या होगा, मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया और उस प्रोजेक्ट को आपको बाद में कभी देखना ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से आपने प्रोजेक्ट उठाना है और आर्काइव्स में जाके रख देना है, कुछ भी डिलीट नहीं करना है। मैं रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट 1 या 2 साल तक तो डिलीट बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो आर्काइव्स वाला टैब है ना वही आपको दिखाएगा आपकी इम्प्रूवमेंट्स। अब जैसे मान लो एक प्रोजेक्ट है कंपोजिशन वाला, इसको मैंने उठा के आर्काइव्स वाले के अंदर डाल दिया, अब मेरे सामने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। अब मान लो 1 साल बाद मैं कोई नई वीडियो बना रहा हूँ प्रोजेक्ट टैब के अंदर, ठीक है, उसके अंदर मैंने स्क्रिप्ट लिखी अपनी वीडियो की और वो भी कंपोजिशन टेक्निक से रिलेटेड ही है, तो मैं अपने पुराने आर्काइव्स टैब के ऊपर जाकर अपने रिसोर्सेज और अपनी सारी लिस्ट निकाल सकता हूँ इन्फॉर्मेशन की, जिसमें मुझे पता चलेगा कि अच्छा इस पर्टिकुलर डे पर मैंने ये वीडियो बनाई थी और इसमें मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी थी, क्या ये वाली इन्फॉर्मेशन आज भी मेरे काम आ सकती है, क्या इसको मैं आज भी इंक्लूड कर सकता हूँ वीडियो के अंदर। तो मुझे जो सारा रिसर्च वाला काम है ना वो वापस से नहीं करना पड़ेगा जो मुझे पहली बार करना पड़ा था। तो कुछ इस तरह से आपके आर्काइव्स काम करेंगे। और कुछ आर्काइव्स में आपको अगर ऐसा लगता है कि यार मेरे को इसकी और ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है शायद, तो आप उसको डायरेक्टली डिलीट मार दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हो गई सेकंड ब्रेन से रिलेटेड आपकी, इसमें हर तरह के काम आ जाएंगे। आप डजेंट मैटर कि आप कोई यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, आप कोई फोटोग्राफर हैं, राइटर हैं, स्टूडेंट हैं, पोएट हैं, या अपना डे टू डे काम ही कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपको कुकिंग सीखनी है और आपको अभी कुछ बनाना है, मान लो हाल ही में मान लेते हैं आपको कढ़ाई पनीर की सब्जी बनानी है, तो आप उसमें प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हो कढ़ाई पनीर। यहाँ पर सारे के सारे इंग्रेडिएंट लिख सकते हो, रिसोर्सेज में जाके अलग अलग कढ़ाई पनीर की वीडियोज़ डाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट में जाके आपको रेसिपी अगर लिखनी है तो लिख लीजिए और नहीं तो डायरेक्टली बनानी शुरू कर दीजिए। अब मान लो कभी आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद फिर से ट्राई करते हो कढ़ाई पनीर बनाने का और आपको याद आता है यार कि उसी तरीके से बना रहा हूँ जो मैंने पहले बनाई थी क्योंकि बहुत टेस्टी बनी थी उससे, तो आप वापस से वीडियो ढूंढोगे फिर करोगे, वो सारा
टाइम लग जाएगा आपको ढूंढने में, लेकिन आपके पास में अगर यहाँ पर नोट्स बने होंगे एज इट इज़ उस चीज़ के, तो आप तुरंत इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करके अपना काम कर सकते हो। सो बेसिकली इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ है, आप कहीं से इनपुट लेते हो, उसको प्रोसेस करते हो और उसका आउटपुट देते हो। ये जो भी मैंने लाइन बोली, ये मैंने लाइन सीखी थी अली अब्दुल की एक वीडियो से, उन्होंने इस तरह से समझाया था इन्फॉर्मेशन किस तरह से काम करती है। अब फॉर एग्जांपल मैंने जो वो बुक है वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली, उसको प्रोसेस किया और आपके सामने मैं आउटपुट कर रहा हूँ। अगर वो मेरे दिमाग में प्रोसेस नहीं होते तो शायद मैं इस तरह से टैब्स बनाकर आपको समझाना पाता। अभी एक टैब हमारा और पड़ा हुआ है सेकंड ब्रेन का, जो कि है इनबॉक्स टैब। अब बहुत बार ऐसा होता है कि यार हमें हमारे एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं पता होते, प्रोजेक्ट्स नहीं पता हमें क्या करने हैं, रिसोर्सेज नहीं पता हमें क्या करने हैं, आर्काइव्स नहीं पता हमें क्या करने हैं, उस टाइम पर इनबॉक्स काम आता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर पर्सनल टैब बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, इसको मैं रीनेम करता हूँ पर्सनल लर्निंग्स। अब ये जो लर्निंग्स है ना, ये लर्निंग्स हो सकती है, मान लो बिज़नेस कर रहे हो आप और बिज़नेस में आपको किसी तरह का नुकसान हुआ या कुछ फ़ायदा हुआ, तो यहाँ पर आप वो पर्सनल लर्निंग लिख सकते हो, आपने ये टेक्निक फॉलो की जिस वजह से आपको फ़ायदा हुआ। ये अभी रेलिवेंट नहीं लगेगी आपको, लेकिन यही चीज़ को आप अगर थोड़े टाइम बाद जाकर देखोगे तो ये आपके लिस्ट के अंदर हमेशा रहेगी। इसी तरह से यहाँ पर आप बहुत सारे टैब्स बना सकते हो, जैसे मान लो एक टैब बना सकते हो आप कि लर्निंग फ्रॉम फ्रेंड्स। आपके किसी फ्रेंड ने आपको कोई बढ़िया सी यूट्यूब वीडियो भेजी, आपको वो वीडियो बहुत अच्छी लगी, तो वो वीडियो जाके यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। और जब भी आपको कभी बाद में उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने का मन करे तो यहाँ से उठा के आप देख सकते हो। कुल मिलाकर ना, आपको अपने दिमाग को बिल्कुल भी जोर नहीं देना है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को याद रखने में। आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पे होना चाहिए, ना कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है, मेरे को क्या इम्प्रूव करना है, क्या मेरे को याद रखना है, इन सब चीज़ों के अंदर उलझा नहीं रहना चाहिए दिमाग। क्योंकि जितना ज़्यादा आज के टाइम पे दिमाग रहेगा ना, इस मोमेंट में दिमाग रहेगा, उतना ज़्यादा आप क्रिएटिवली सोच पाएंगे, अपनी आइडियाज़ बना पाएंगे और उतने ज़्यादा बेहतर तरीके से आप ग्रोथ कर पाएंगे। डजेंट मैटर लाइफ में आपको किस डायरेक्शन के अंदर जाना है, अगर आपका एक सेकंड ब्रेन रहेगा तो उस गोल से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आप बार बार जाकर एक जगह से अपने फिंगर टिप्स के ऊपर रिट्रीव कर पाओगे। मैंने सिर्फ ऊपर से इस टॉपिक को स्क्रैच किया है और इसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे मिल जाएगी। अब वहां से जाके चेकआउट कीजिए, इन डेप्थ नॉलेज लीजिए और इससे भी ज्यादा बेहतर तरीके समझिए नोट्स बनाने के, अपना सेकंड ब्रेन बनाने के। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मेरा नाम है निष्काम भाटिया, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।